अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी माँ बहनें शब बारात और शब कद्र की नमाज में क्या पढ़े, किस तरह से इबादत करे, कौन कौन सी नमाजें पढ़े, पूरी बात आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको शबे बारात और शबे कद्र की रात में सबसे पहले ईशा की नमाज मुकम्मल तौर पर अदा कर लेनी है। जब आप ईशा की नमाज से फारिग हो जाएं तो थोड़ा रेस्ट ले लें और उसके बाद में आप चाहे तो एक नींद निकाल लें, आधे एक घंटे सो लें और उसके बाद जब उठें तो आप सबसे पहले तहज्जुद की नमाज अदा करें, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि तहज्जुद की नमाज फर्ज नमाज के बाद अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। तहज्जुद की नमाज अगर आपको पढ़नी नहीं आती है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तहज्जुद की नमाज से फारिग हो जाने के बाद आप दो रकात नमाज सलातुल हाजत की पढ़ें। सलातुल हाजत का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सलातुल हाजत की नमाज पढ़ लेने के बाद आप सलातुल तौबा की दो रकात नमाज पढ़े और अपने पिछले गुनाहों से मुआफ़ी मांगे। ये दिन गुनाहों की मुआफ़ी का है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी गुनाह होंगे जाने और अनजाने में वो जरूर माफ़ हो जाएंगे। तो दो रकात नमाज सलातुल तौबा की भी पढ़ लें और उसके बाद में शुक्रानी की दो रकात नमाज पढ़ लें, और उसके बाद में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी की कज़ाए उम्री नमाज़ें पढ़ सकते हैं। जितनी चाहे पूरी रात चाहे तो कज़ाए उम्री नमाज़ें पढ़े, क्योंकि जो नमाज़ें हमसे छूट चुकी है उनकी भरपाई करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप कज़ाए उम्री नमाज़ें पढ़ लेंगी जितनी आप पढ़ सकती हैं, तो उसके बाद में आपको 12 रकात नमाज शब कद्र की इस तरह से पढ़नी है, चार चार रकात की नीयत से पढ़नी है। उस नमाज का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख ले। शब बारात की शब कद्र की 12 रकात नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है और इस तरह से आपकी नमाज शब कद्र और शब बारात की मुकम्मल होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे दिल से एक लाइक कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन नमाजों के सदके से तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह हमें कब कबूल हो जाए।